हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मार्बल फ्लोरिंग डिज़ाइन इमरान। दोस्तों, आपने अपने घर के अंदर जैसे इटालियन पत्थर या फिर मार्बल या आपने ग्रेनाइट पत्थर लगा रखा है दोस्तों, और उसकी जो चमक है आपको कुछ कम नज़र आ रही है, जैसे कि उसकी जो चमक है डल पड़ चुकी है, उसके अंदर आपको जैसे वाइटनेस नज़र आ रहा है। अगर आपने ग्रेनाइट पत्थर लगा रखा है, ग्रेनाइट के अंदर वाइटनेस नज़र आता है, मार्बल के अंदर आपको चमक कुछ कम नज़र आ रही है दोस्तों, या फिर आपने इटालियन लगा रखा है उसकी भी आपको चमक कम नज़र आ रही है दोस्तों, तो आप खुद ही अपने घर के अंदर जो भी आपने पत्थर लगा रखा है दोस्तों, उसकी चमक को आप दोबारा से ला सकते हैं, आप खुद ही इसको सही कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। हमारे पास में जो केमिकल है दोस्तों, हम आपको केमिकल दिखाएंगे और आपको एक डेमो भी करके दिखाएंगे हम ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख रहे हैं। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले मैं आपको केमिकल दिखा देता हूं, जैसे कि आप जो भी पत्थर है आपका पॉलिश का, तो उसको कैसे सही करेंगे। तो ये जो केमिकल आप देख रहे हैं दोस्तों, ये टिनेक्स कंपनी का केमिकल है जिसका नाम है सेराफ्लूडा साइनर। बहुत ही अच्छा केमिकल है दोस्तों, इससे आप हर प्रकार के पत्थर, जो भी पॉलिश का पत्थर है, उसको आप सही अपने घर के अंदर खुद ही कर सकते हैं। तो इसकी अगर हम MRP रेट की बात करते हैं तो दोस्तों, इसकी जो MRP रेट है 2241 रुपये इसकी MRP रेट है, आप देख सकते हैं। तो ये जो पूरा 1 लीटर का डिब्बा आता है दोस्तों, इसको आप मंगवा के और अपने घर के अंदर खुद ही अपने पत्थर को आप सही कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे कि आप इसको केमिकल को लगाएंगे दोस्तों, तो लगाने के बाद में फिर इसकी बफिंग करनी होती है। तो ये बफिंग पैड आता है जो कॉटन का बना हुआ आता है, और ये ग्राइंडर के अंदर आप लगा के खुद ही आप इसको मार सकते हैं और पूरा बफिंग आप केमिकल को कर सकते हैं। जो भी आपके घर के अंदर पत्थर रहेगा दोस्तों, हर पत्थर के ऊपर इससे चमक आ जाएगी, और बिल्कुल इसके अंदर जो चमक आएगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी और शानदार चमक आएगी। अब मैं आपको इसका एक डेमो करके दिखाता हूं ग्रेनाइट पत्थर के ऊपर कि आप इसको कैसे लगाएंगे और कैसे आप उसकी चमक को दोबारा से लेके आएंगे। तो मैं आपको पूरा ग्रेनाइट के ऊपर डेमो करके दिखा रहा हूं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो हमारे पास में ग्रेनाइट है दोस्तों, ये लाखाराइट ग्रेनाइट है। और इसके बाद में हमारे पास में आप दूसरा ग्रेनाइट देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है, जो टेलीफोन ब्लैक इसको ग्रेनाइट को बोलते हैं। तो इसके ऊपर जो वाइटनेस आपको नज़र आ रही है दोस्तों, उसकी जो चमक है कुछ कम नज़र आ रही है आपको। ऐसे ही अगर आपके घर के अंदर जो भी पत्थर लगा हुआ है उसकी चमक अगर कम हो चुकी है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास में सेराफ्लूडा का जो साइनर है दोस्तों, इसकी अगर हम एवरेज की बात करते हैं तो ये तकरीबन 300 से 350 फिट पे ये एवरेज देता है। इसको हल्का सा ग्रेनाइट के ऊपर लगाना होता है, फिर उसके बाद में आप उसकी बफिंग कर सकते हैं। तो मैं इसको खोल के और आपको लगा के और पूरा एक डेमो करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमारे पास में जो बफ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, ये कॉटन का बना हुआ होता है और ये ग्राइंडर के ऊपर लगेगा। जैसे कि ये जो ग्राइंडर है दोस्तों, इसके ऊपर हम आपको लगा के दिखाते हैं। तो इसको ऐसे लगा के और फिर उसके बाद में इसको ऊपर से आपको बोल्टू को कस के और टाइट कर देना है। तो ये पूरा लग चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं सेराफ्लूडा साइनर लगाता हूँ इस ग्रेनाइट के ऊपर और फिर उसके बाद में आपको इसकी पूरी बफिंग करके दिखाता हूँ। तो इसको हम खोल रहे हैं दोस्तों। तो ये पूरा लिक्विड की तरह होता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको लगाऊंगा कपड़े से, जैसे कि हमारे पास में ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल आपको सूती कपड़ा लेना है। और फिर उसके बाद में जो आपका ग्रेनाइट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वाइटनेस आपको नज़र आ रही है दोस्तों, पहले मैं इसकी हल्की सी बफिंग करूँगा और फिर उसके बाद में इस साइनर को लगाऊँगा। अब दोस्तों ये जो साइनर है, हल्का सा हम इसके ऊपर डालेंगे, तो ये हमने लगा दिया है और उसके बाद में हम कपड़े से इसको फैलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये तुरंत सूखता है दोस्तों, इसके अंदर ज़्यादा समय नहीं लेता है। इसके अंदर जो साइनर लगाने के बाद में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी चिपचिपापन नहीं रहता। तो हमने इसको लगा दिया है और ये पूरा अच्छी तरीके से सूख चुका है। जितना भी बड़ा आपका फरस है, फ्लोरिंग है या आपकी स्टेयरकेस है दोस्तों, पहले आपको साइनर को लगा देना है, फिर उसके बाद में ही आपको इसके ऊपर बफिंग करना है। तो हमने इसके ऊपर लगा दिया है दोस्तों, अब ये हल्का सा सूख चुका है। तो अब हम आपको इसकी बफिंग करके दिखाते हैं, जैसे कि ये जो हमारे पास में बफ है, हम ग्राइंडर से इसको चला के और पूरा इसको बफिंग कर देंगे। Yeah.
तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी चमक के अंदर काफ़ी आपको अंतर नज़र आ रहा होगा। जैसे कि इसकी जो चमक है दोस्तों, पूरी अच्छी तरीके से इसकी चमक आ चुकी है। और ये जो पहले वाला था दोस्तों, आपको कुछ इसके अंदर लुखापन नज़र आएगा, वाइटनेस नज़र आएगी, लेकिन सेरा फ्लूडा शाइनर लगाने के बाद में इसके अंदर पूरी अच्छी तरीके से चमक आ चुकी है, पूरा ब्लैक हो चुका है। इसके अंदर जो कलर है वो दोस्तों, वो पूरा ओरिजिनल कलर इसके अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको पॉलिश को करना है दोस्तों। अब हमारे पास में जो लखा रेड ग्रेनाइट है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम आपको करके दिखा देते हैं। हल्का सा हम इसके ऊपर डाल के तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लखा रेड ग्रेनाइट है, और इसके बाद में ये ब्लैक कलर का आप ग्रेनाइट देख सकते हैं। तो मैंने आपको इसकी पूरा बफिंग करके दिखाया है सेरा फ्लूडा शाइनर से। तो इस प्रकार से आप भी अपने घर के अंदर जो भी पत्थर आपने लगा रखा है उसकी चमक डल पड़ चुकी है, तो आप उसकी बफिंग को कर सकते हैं। तो ये जो सेरा फ्लूडा शाइनर है दोस्तों, इसको अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी हैं दोस्तों, आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी आप इसको मंगवा सकते हैं। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने आप इसकी लिंक दे रखी है, तो वहाँ पर जाके आप इसको डायरेक्ट ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।